हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त कान्हा। दोस्तों, त्योहारों का टाइम है, दिवाली है, छठ पूजा, और हर कोई अपने होम टाउन जाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर आपने ट्रेन की टिकट पहले से ले रखी तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखी तत्काल लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप तत्काल टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तत्काल टिकट कैसे ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आप काउंटर से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से उनको एक नंबर मिलता है ताकि वो काउंटर पे अपने काउंटर पे लगे, और काउंटर पे लगने के बाद वो तत्काल टिकट ले सकते हैं। तत्काल टिकट की जो टाइमिंग है वो सुबह के 11 बजे है स्लीपर क्लास के लिए, और एसी क्लास के लिए 10 बजे। लेकिन यहाँ पे काउंटर पे अभी भी गलत अपडेट किया गया है दोस्तों। और जो तत्काल टिकट के लिए फॉर्म होता है, ये फॉर्म तत्काल टिकट का जो आपको काउंटर पे ही मिलता है, इसके लिए आपको कोई अपनी आईडी दिखानी होती है, उसके बाद आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरा हुआ है, जैसे कि नॉर्मल रेलवे का फॉर्म भरते हैं वैसे ही आपको इस फॉर्म को भरना होता है, बस इसका फॉर्मेट अलग है, बाकी आपको सारी चीज़ें सेम ही मिलेगी लगभग। फॉर्म पर आप देख सकते हैं एक नंबर यहाँ पे डाल दिया गया है, नंबर 8 और 244। ये काउंटर नंबर दिखाता है कि 244 पर मुझे जाना है, और जो मेरा नंबर वो 8-7 लोगों के बाद, मतलब मेरा नंबर 8वां है दोस्तों। ये बाहर पे जो वहाँ पे खड़े होकर नंबर डाले थे वो यही काम कर रहे थे ताकि सब लोग आराम से टिकट ले सकें, लाइन वाइज ही ले सकें दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भर के ऐसे ही छोड़ रखा है, और यहाँ पे जो लगभग सारे लोग तत्काल के लिए ही लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे काउंटर पे आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड आपको मिल जाएगा, तत्काल सेवा के बारे में आवश्यक सूचना, कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो आप कौन कौन सा पहचान पत्र अपने साथ ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, पासपोर्ट बैंक के द्वारा जारी किया गया, कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा, तत्काल टिकट पर डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म और एक PNR नंबर पे 4 व्यक्तियों के लिए ही टिकट आप ले सकते हैं तत्काल टिकट, और डुप्लीकेट टिकट जैसे जारी नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो लगभग अब बचने वाले हैं 11, और ऑलरेडी सारे लोग तैयार हो चुके हैं अपनी अपनी टिकट लेने के लिए, लाइन में लगे हुए हैं, और कुछ देर के बाद यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्लीपर क्लास के लिए जैसे कि बताया था 11, और आप देख सकते हैं लोग टिकट लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ लोगों की टिकट मिल जाएगी, कुछ लोगों को होगा कि टिकट नहीं मिलेगी। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक को यहाँ पे सुबह से लगे हुए थे और इनको टिकट मिल चुकी है। तत्काल मिल गया ना आपको? जी, ये देखिए इनको तत्काल मिल चुका है, ये टिकट है इनका। और अगर आप भी एक दिन पहले लगाते हैं, आपको भी तत्काल चाहिए दिवाली में, तो जो फॉर्म मैंने बताया वो आपको भरना पड़ेगा, और इसी तरीके से आपको लाइन में लग के तत्काल लेना होता है दोस्तों। इसके लिए कब से आए थे, कितने टाइम पहले आपने लाइन लगाया था इसके लिए? एक दिन पहले लोग आप भरते हैं, मैं सुबह 4 बजे आया था। सुबह 4 बजे से लाइन लगा के रखे हो? हाँ। सुबह 4 बजे से ये लाइन लगा के रखे, उसके बाद इनको तत्काल मिला है। कहाँ की टिकट है, कहाँ जाने की है? अयोध्या फैजाबाद, फैजाबाद। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने लिए टिकट नहीं करवाया और आपको छठ पूजा या दिवाली में जाना है, ये तत्काल टिकट लेना है, तो ऑनलाइन लेने का प्रोसेस मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आप काउंटर से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सा फॉर्म भरना होता है, कितने बजे की टाइमिंग है, और कितने दिन पहले आपको यहाँ से लाइन लगाना होगा, सारा का आपको लगभग क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। टेक पांडा वेब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।